हाय आदित्य जी, क्या हाल है आपका? फाइन मैम, एंड यू? आई एम डूइंग गुड. यस, व्हाट वुड यू लाइक टू से? नो थैंक यू मैम लेने के लिए। प्रॉब्लम जी, बोलिए. बढ़िया। हम तो वैसे टुन्नी हैं जिनको आप टुन्नी कहती हैं, लेकिन थोड़ी सी गलतफहमी आपको दूर करना चाह रहा था मैं। जी बोलिए. आप लोग ये सोचते हैं कि हर हिंदू गौमूत्र पीता, ऐसा नहीं है मैम। नहीं गौमूत्र नहीं को मैंने सिर्फ कभी ये नहीं कहा हर हिंदू. नहीं भाई, हम क्यों कहेंगे हर हिंदू? हम कौन सा कहते हैं कि हर मुसलमान एक्सट्रीम जिहादी होता है? इसी तरह से हर हिंदू भी एक्सट्रीम नहीं है. नहीं है मैम, कोई हिंदू एक्सट्रीम नहीं है, वो खाली कहने सुनने की बात है। कोई भी हिंदू गौमूत्र नहीं पीता है। गौमूत्र का यूज इतना होता है सिर्फ उनको, जैसे कोई कभी कोई एक्सपायर हो गया तो उसको छिड़कने का होता है, बस। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई गौमूत्र नहीं पीता नहीं, आप जाके थोड़ी सी। देखिएगा, हिंदू क्रांति नाम से एक बंदा है, वो ऑनलाइन उन्होंने ही हमको गौमूत्र पी के दिखाया. थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लोग होते हैं पीने वाले भी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नहीं, मगर कोई अभी हिंदू आपने कहा एक्सट्रीम कोई नहीं नहीं पीता। पीता, अभी आपने कहा कोई नहीं पीता, भी कह रहे हैं कि कुछ लोग कोई पीते नहीं, हैं कोई तो. कोई हिंदू कितने हैं? 100 करोड़ से ऊपर है मैम। अब एक दो लोग पीते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, लेकिन कोई दिक्कत 100 करोड़। हमको नहीं है. देखिए, दिक्कत नहीं है. देखिए आदित्य जी, हमें दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत नहीं है. आप जो खाओ पियो. अब हिंदुओं को भी, जो लोग गाय खाते हैं तो वो उनको भी कहते हैं, देखो है, देखो गाय खा रहे हैं. उनकी वजह से हम गाय खाना थोड़ी बंद कर देंगे. वो खाए पिए, आप जो भी करें, राइट. मगर जब आकर यहाँ पर ऐसे हिंदू यहाँ पर आ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि ये मुसलमान आईडीज बनाकर आ रहे हैं हिंदुओं की, मगर ये आईडीज मैं हर जगह देखती हूँ. हाँ, और वो नहीं नहीं अगले, आप आप अभी भी मोमिन हो, आप जिहादी हो, लाइक हम ही नहीं, तो हैं नहीं। बोल रहे हैं इस चीज पे. आपके एक्स इंडियंस और एक्स मुस्लिम जो इंडिया में है, वो तो अभी आना शुरू हुए हैं. हम तो इन चीजों, मैं तो इस्लाम पे तो नहीं, मगर मैं औरतों के राइट्स पे तो मैं 15 साल से बात कर रही हूँ. ये तो अभी नए नए आए हैं, हम तो शक्ल दिखा के बात करते हैं. आप अच्छा काम कर रही है। आई एम वेरी इम्प्रेस फॉर यू। आप बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं तो ये चाहता हूँ सारी लेडी जैसी हो जाएं। थैंक यू सो मच लेकिन जी. मैम ऐसा है ना, हर एक दो लोगों को लेके सबको टुन्नी कह देना, ये कोई ज्यादा ज्यादती नहीं, हम हो गई सबको हम लोगों टुन्नी के नहीं साथ। कह रहे ना आदित्य जी, हम जो टुन्नी है उनको टुन्नी बोलते हैं. हमने कौन सा कहा कि पूरा इंडिया जो अच्छा है टुन्नियों से भरा हुआ है? नहीं भाई, आपको क्या लगता है गूगल का सीईओ जो है, या जो भी वो और लगाओ की जो सीईओस बैठे हुए हैं आपके इतने बड़े बड़े उस पे, ट्विटर के पता नहीं कौन कौन, ये क्या ये टुन्नी है? इनको तो कभी मैंने टुन्नी नहीं कहा. आपको पता है ओनली फैंस में, जो ओनली फैंस को मुझे आके यहाँ बोलते रहते हैं ना लोग, उसके टॉप पे जो बंदी बैठी है ना, वो इंडियन है. आप तो थोड़ी सी इंडियन मैडम, थोड़ा सा तो दो 1 मिनट मेरे को दीजिए बात करने के लिए ना। इंडिया की आबादी 120 करोड़, 120 करोड़ की है। 120 करोड़ का मतलब समझते हैं कैसे कैसे लोग मिलेंगे आपको, है. हाँ, नहीं, आई और अग्री विद सबको यू, आई अग्री विद यू. तो हम कौन सा कह रहे हैं कि सब ऐसे हैं? अगर सब ऐसे होते ना, तो इंडिया का हाल भी पाकिस्तानी जैसा हो जाना था, अगर सब एक्सट्रीम पे होते तो. एक छोटा सा, मैडम मैं तो बड़ा फैन हूँ आपका, एक छोटा सा काम मिल जी करिएगा। एक इंडिया में एमपी जगह है, वहां पे बागेश्वर धाम करके एक जगह है, बागेश्वर धाम। यूट्यूब में जरा अच्छा, सर्च करिए आप, अभी तो मैं बागेश्वर नहीं कर धाम। सकती, आप बता दें, मैं बाद में जरूर कर लूंगी उसको सर जी. आप, आपको मैंने बागेश्वर टाइम दिया, आप बोलिए. वहां पे एक इंडिया के नए महाराजा हैं, 21 या 22 ईयर ओल्ड उनकी मात्र एज है, और उनको कोई डिबंक नहीं कर पा रहा है। वो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, डिबंक किस चीज में नहीं कर वो पा रहे? उनके रोज 1-2 हजार लोग आते हैं, सबके मन की बात पढ़ लेते हैं वो। ऐसा साइंस भी प्रूफ नहीं कर पाएगी। उनको सारे न्यूज चैनल वाले उनको डिबंक करने की कोशिश कर दिए। बागेश्वर धाम करके एक जगह है एमपी में, इंडिया में। ओके, मैं उन पे जरूर सर्च करूंगी, देखेंगे उनको कौन है ये, मुझे नहीं पता. थैंक यू सो बागेश्वर मच. बागेश्वर धाम, और अगर आप डिबंक कर दो मैं हिंदू धर्म छोड़ दूंगा। बताइए, 5-6 हजार लोग रोज आते हैं, सबकी मन की बात कोई आदमी कैसे पढ़ लेगा? कोई जादूगर भी होगा, कितनी भी ट्रिक करेगा। अगर आप डिबंक कर दो तो मैं हिंदू धर्म छोड़ दूंगा। बताइए, मगर कोई डिबंक देखिए नहीं ना कर सकता आदित्य हिंदू धर्म जी, को। आप मेरा आप समझे नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ दूसरे लोग, दूसरे एक्स मुस्लिम क्या चाहते होंगे, वो उनकी अपनी वो है.
मैंने कभी ये नहीं नहीं ऐसा कहा कि यहाँ मुस्लिम पे एक्स लोगों मुस्लिम की का, बात भी नहीं है, नहीं मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मैंने कभी नहीं मुस्लिम कहा कि एक्स मैं मुस्लिम की पूरा बात ही नहीं हो रही। हिंदू मैं तो एक्सट्रीम मुस्लिम, मैं तो एक इस्लाम के बारे में कुछ जानता ही नहीं मैम, मैं तो हिंदू हिंदुइज्म के बारे में बात कर रहा हूँ, जो आई हमारा नो, नाम अगर एक सुन्नी रख दिया सेकेंड मेरी ना बात कंप्लीट होने ना फिर आप बोल लीजिएगा। वो मुस्लिम की जगह साबित मेरा कर मकसद देगा। यहाँ, एक सेकेंड, मेरा मकसद यहाँ ये नहीं है कि लोगों से उनका धर्म छुड़वा दूं या उनकी रिलीजन छुड़वा दूं। मैं यहाँ इसलिए नहीं बैठी हूँ। मैं क्या कहती हूँ कि हर किसी को, आपने किसी चीज को भी मानना है उसको मानो, मगर उसके मानने के लिए दूसरे का गला मत काटो और वही चीज दूसरों पे नहीं फोर्स नहीं करो। बस हमारे मैं ये कहती हूँ। हमारा धर्म तो ये कहता है, मतलब आप भी संस्कृत में बता नहीं पाता हूँ, सारे लोग रिश्तेदार हैं, सब लोग सुखी रहें, मतलब सब लोग हैप्पीनेस, सबको हैप्पीनेस दुनिया में, हम तो ये चाहते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में यही लिखा है, इस्लाम की तरह सब काफिर और मोमिन में नहीं बांटते, हम तो वसुवैद कुटुंबक की बात करते हैं, हम वसुवैद कुटुंबक। अब उसका संस्कृत में आपको बताऊं तो सारी दुनिया एक ही परिवार है, सब लोग सुखी रहने चाहिए, और कोई धर्म ये नहीं कहता, मतलब धर्म तो कोई है ही नहीं ये, मतलब सनातन के अलावा सब तो मजहब अजब कल्ट है, बाकी सच्चा तो एक ही है, बाकी आप उसको, बाकी ज्यादा बात नहीं करता हूँ, आप मैंने जो बताया आप उसको सर्च करना, अगर मैं झूठा हूं तो आप बोल देना झूठा हूं मैं। मध्य ठीक है, मैं प्रदेश उसको सर्च कर में लूंगी। बागेश्वर धाम, आई विल सर्च इट एंड देन आई विल बात लेट यू नो। पूरे कोई डिबंक ही नहीं कर पा रहा, आप डिबंक कर दो तो मैं भी छोड़ दूंगा, या आप हिंदू बन जाओ। ठीक है मैम, आप करो कोशिश। चले, थैंक यू सो मच आदित्य जी। ठीक है, मुझे पहली बात तो ये कि हम यहाँ पर हिंदू उस पे तो बात ही नहीं करते थे। वी डोंट टॉक अबाउट हिंदुइज्म एंड ऑल दैट स्टफ। But when people come here and try to say that this is the best thing and you should become this and that, then I have problems with it, and then I will talk about it. And then they say, "Oh, now you're criticizing us." We were talking about Afia Siddiqui, and we were talking about what happened yesterday. Okay, so आप भी हिंदू बन जाओ। हाँ, वैसे सोच में यही रही हूँ, प्रॉफिट इसी में है। मैं हिंदू बन के घंटी लगा कर, तिलक लगा कर आ जाती हूँ, बेवकूफ बनाती हूँ लोगों को, पैसे बटोरती हूँ। ठीक है, मगर मेरा जमीर इजाजत नहीं देता ना। क्या करूं इस जमीर का, क्या करूं इस जमीर का? अगर मेरा जमीर इजाजत देता ना तो आई वुड नॉट।